नमस्ते आदाब सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बढ़िया ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज है दिन सैटरडे और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ और स्कूल से आज मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे अपने ससुराल जाना है। तो चलिए आज मैं आपको अपने ससुराल का टूर कराती हूँ और साथ में आज मैं आपको अपने पूरे परिवार से भी मिलाती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी हम आगरा में एंटर कर गए हैं और अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये फतेहाबाद रोड है। उसी रोड पे आगे चल कर के मेरी ससुराल है डॉकी, जो कि एक कस्बा है और मोस्टली होटल्स वगैरह है ना वो सारे इसी रोड पे ही पड़ते हैं। और ये है ITC मुगल होटल। तो इस रोड पे ना आपको छोटे बड़े हर तरीके के होटल मिल जाएंगे, आपको बहुत भरमार है इस रोड पे होटल और रेस्टोरेंट की। और ये देखिए, यहाँ पर इस रोड पर मेट्रो का भी काम चल रहा है। तो हमारे आगरा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे शहर में मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। और ये है TDI मॉल, आगरा का सबसे बड़ा मॉल। और ये ट्राइडेंट होटल है। और ये है ओरिएंट ताज होटल। इस होटल की डिज़ाइन ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल एक किले की तरह लगती है। और ये है JP पैलेस होटल। तो ये वही होटल है जहाँ पर सन 2001 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के बीच में आगरा शिखर वार्ता हुई थी। और तभी से ना हमारा ये शहर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। और ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे। वैसे इस फतेहाबाद रोड पर ना डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पर। तो अभी मैं सभी के पैर छू के उनका आशीर्वाद ले लूँ, थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठ कर उनसे बातचीत कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और यहाँ बैठकर मैं चाय पी रही हूँ और अपनी देवरानी से बात करते जा रही हूँ। मार्च में हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आज की वीडियो में आपको अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी, तो बस मैं आज आपको अपने पूरे परिवार से मिलाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने परिवार के सबसे बड़े मेंबर से। तो हमारे परिवार की सबसे बड़ी मेंबर है ये हमारी दादी, यानी कि मेरी सास की भी सास। और आप लोगों को बता दूं कि जो एज है 93 इयर्स की है ये, और इतनी एज में भी ये बहुत ही हेल्दी है, पूरी मतलब बहुत स्वस्थ रहती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं इतनी एज में भी। और ये हैं हमारे पापा जी। और हमारे पापा जी, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये रिटायर हो चुके हैं, बट ये 2 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। UP पुलिस में इनकी सर्विस थी, SI की पोस्ट से इनका रिटायरमेंट हुआ है। इसके बाद आगे चलती हूँ, ये है मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ, जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही हैं। और मेरी जैसे मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है, सेम वैसे ही मुझे प्यार देती है और मेरा ख्याल भी रखती है। और मेरी मम्मी जी हाउस वाइफ है। और ये है मेरी प्यारी सी देवरानी। देवरानी कह लो या छोटी बहन कह लो, वैसे मेरी कोई बहन नहीं है, तो यहाँ मुझे एक देवरानी मिल गई है बहन के रूप में। तो मेरी जो छोटी बहन की जो मुझे कमी करती थी ना, जो मेरी बहन होनी चाहिए छोटी हो या बड़ी, मुझे हमेशा लगता था दूसरों को देख करके मेरी बहन होनी चाहिए थी, लेकिन ससुराल में आकर मेरी ये कमी पूरी हो गई, मुझे यहाँ पर बहन के रूप में एक प्यारी सी देवरानी मिल गई है। और फ्रेंड्स, हमारे चंचल देवर जी अभी इस वक्त घर पे है नहीं है, वो अपने ऑफिस गए हैं काम से। तो वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से ही आते हैं, लेकिन हमें अभी जो है निकलना है वापस हाथरस के लिए। तो अब उनसे मुलाकात मैं आपको जो है बाद में ही कराऊंगी, जब दोबारा यहाँ पर आना होगा, लेकिन आपकी मुलाकात मैं जरूर करवाऊंगी उनसे। तब तक आप हमारी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर से तो मिल लीजिए भाई, जब सबसे मिल चुके हो तो छोटे मेंबर को हम क्यों छोड़े, उनसे भी तो मिलना जरूरी है। तो चलिए अपनी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर से आपकी मुलाकात कराती हूँ। आप फोटो हो रहा है, तो ये है हमारी फैमिली का छोटा सा मेंबर, मेरी देवरानी का छोटा सा भी तो प्यारा सा क्यूट सा, और साथ में मेरा भी। अब नाम बताओ अपना, नाम आपको ये अपना खुद बताएंगे। बताओ नाम बताओ।
अच्छा से बताओ पूरी कैसे था कुछ तेज प्रताप सिंह। मेरा नाम भाई हमारा पूर्वी भाई बड़ा होकर के दरोगा बनेगा है। दरोगा बनेगा दरोगा हाँ अपने दादू की तरह बनेगा पूर्वी है। सही है दरोगा बनेगा भाई हमारा पूर्वी। और तान शाल आपकी तो कंडीशन ही ऐसी उठी जा देखना कपड़े खा जाते मुंह में उंगली दे दो आप। और ये देखो हमारे सांस की तकली होगी है। कैसे लग रहे हैं हमारे तांशु भाई तकली खोपड़ी में कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और ये मेरी चाची सास का घर है और हमारी चाची जी ने अपने घर में माता रानी का मंदिर बनवा रखा है। तो मैं जब भी अपने ससुराल यहाँ पर आती हूँ और जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे हमारे दोनों बच्चे भी माता रानी के दर्शन करने आ गए हैं। और अभी हमारे यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तो मैं कल शाम को यहाँ पर आई थी और आज शाम यानी संडे की शाम को मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि कल मंडे को मुझे स्कूल जाना है, मुझे भी जाना है और इन्हें भी स्कूल जाना है। बट कोई नहीं, नई साल पर हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर 2-3 दिन के लिए और फिर सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करके जाएंगे। और हाँ, इंट्रोडक्शन कराते समय मैं अपनी देवरानी का नाम तो बताना आपको भूल ही गई। तो मेरी देवरानी का नाम अंजलि है। और यहाँ हमारी दादी मेरे हाथों को चूम रही हैं तो मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ दादी मेरे हाथों को ज़रूर चूमती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों से हाथस पहुँच कर मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों से अगली मुलाकात हाथस में ही होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए अपने आज के इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना के ला सकूँ। तो मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सी यू।